जय जय श्री राधे निताय गौर हरि परम मंगल में अकारण करुणा करुणा व्यक्त ब्रजरानी राधा रानी श्रीमद् भागवत महापुराण परमानुकंपा से हम लोग को परम ब्रजधाम निष्ठ संत श्री राम कृष्णदास बाबाजी महाराज के गिरहोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप सब वैष्णवों के सानिध्य में कथा के माध्यम से सत्संग लाभ का स्रोत प्राप्त हो रहा है। हम लोग कल कथा श्रवण किए गिरिराज हरण श्रीमद् भागवत का अवतरण हुआ है वृंदावन धाम की महिमा बताने के लिए और ब्रज गोपियों की महिमा। विदर भागवतामृत में सनातन गोस्वामी राज ने भागवत का सार बृहद भागवतामृत रूप स्वामी का लघु भागवत का पर्यावसान यही है। दो चीज, एक भगवत धाम और एक ब्रजभूमि, ये दो ही की महिमा है। चाहे इंद्र हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, सब लोग धाम की महिमा, धाम में रहना चाहते। उद्धव जैसे परम ज्ञानी भी कहते हैं कि हमको ब्रज धाम चाहिए, ब्रह्मा चाहते हैं, हमें ब्रज धाम चाहिए। अरे महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ब्रज में पत्थर बनकर रहते हैं। उद्धव जी लता पता बनकर के रह रहे हैं, तो हम लोग अभी भागवत में देखेंगे दसव स्कंध निरोध लीला में इस पर दो आचार्यों का मतभेद है। श्रीपाद वल्लभाचार्य दसव स्कंध को आश्रय तत्व मानते हैं और एक आचार्य मानते हैं निरोध तत्व। ये नौ तत्व वर्णन किया गया है दसव स्कंध के, तो हम लोग देखेंगे इस ब्रज लीला में ठाकुर जी ने सबके अहंकार को चूर किया। जितने भी राक्षस है सबको भगवान मार करके ब्रज में स्थान दिया। देवताओं के भी हैकड़ी तोड़े, बरो जी के हैकड़ी तोड़े हैं, अभी कथा है बरो जी के हैकड़ी तोड़े, इंद्र के हैकड़ी तोड़े, कुबेर के दोनों लड़कों के बहाने कुबेर के भी हैकड़ी तोड़ दिए। समाज में सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण लोग हैं उनके भी पत्नियों को खींच करके उनके हैकड़ी तोड़ दिए ठाकुर जी ने। और एक देवता है जिसका नाम है कामदेव, ये महाराज देवता है, देव सारा संसार को वही नचा रहा। आरंभ होना लोका चीटी से लेकर इंद्र पर्यंत सबके सिर पर चढ़ा रहता है कामदेव। श्रीधर स्वामी तो कहते हैं ब्रह्मादि जय संरुद्धा दर्प कंदर्प दर्पहा, ब्रह्मादि देवताओं के सिर पर नाचने के कारण कामदेव को अहंकार हो गया कि अब हमारा हैकड़ी तोड़ने वाला कोई नहीं।
हमारा सचमुच है काम से कोई परे हो नहीं सकता। ये सारा काम लीला, सारा दुनिया में काम लीला चल रहा है। दो लीला है, एक कृष्ण लीला और एक काम लीला, एक राम लीला और एक काम लीला, ये दो ही लीला है। और दोनों एक दूसरे के विरोधी है, जहां राम तो काम में है। तुम्हारा खास करके वृंदावन तो कृष्ण लीला है, इसमें तो काम का प्रवेश नहीं। तो ब्रह्मा के अहंकार को चूर करने के लिए भगवान नूतन नया बिना संस्कार बिना कार बिना प्रारब्ध का सृष्टि करके दिखा दिए। और कामदेव के अहंकार को चूरने के लिए महाराज भगवान रास श्रीधर स्वामी जी ने इसको काम विजय लीला कहा। एक ऐसा लीला है जिस लीला को पढ़ने से काम ठंडा हो जाता है, ये रास लीला की बड़ा भारी महिमा है। तो आज हम लोगों के पास पूरा है दशम स्कंध एकादश स्कंध और द्वादश स्कंध, तीनों स्कंध में हम लोग स्पर्श करते चलेंगे। तो दस पंचाध्याय पांच अध्याय भगवान ने वंशी वादन किया, जो वंशी वादन किए तो हरण लीला में ब्रज गोपियों को ठाकुर जी ने आश्वासन दिया था कि तुम लोगों की इच्छा मैं पूरा करूंगा। तो उन ब्रज गोपियों की इच्छा पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने रास खर्च की। वृंदावन के तट पर ठाकुर जी आए हैं, सुखद ललित मुद्रा में खड़े होकर के बंशी वादन किए हैं। ये बंशी केवल वाम दिशा मनोहरम, ये बंशी केवल ब्रज गोपियों को ही सुनाई दी और किसी को सुनाई। ब्रज गोपियां बंशी की आवाज सुन करके निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। बंशी की आवाज सुन करके ब्रजवालाएं चलती और गोपियां जो भी घर में काम करती थी केवल कृष्ण के प्रीति के लिए करती थी। पति की सेवा हो या बच्चे की सेवा हो या झाड़ू लगाना या खाना बनाना, जो कुछ भी सेवा करती थी ये साधन था, कृष्ण प्राप्ति का साधन था। अगर श्री कृष्ण ने आवाहन किया ब्रजवालाओं को तो सब गोपी सब अपना साधन को छोड़ और फल मिल गया तो साधन क्यों करें। अब सब गोपी कोई गाय दुहना है, कोई पति की सेवा, बच्चे की सेवा, सास ससुर की सेवा, सब सेवा छोड़कर के चल। महाराज यदि हम साध्य को प्राप्त कर रहे हैं और उसमें यदि व्यवधान ना आवे तो पता नहीं चलता है। तो सास ससुर ने विरोध किया, उस विरोध को तोड़ करके ब्रजवाला है सब कुछ त्याग, अपने छोटे छोटे बच्चे, ऐसे गोपियों के बच्चे नहीं है, आचार्य लोग कहते हैं भाई के लड़के बहन के लड़के सेवा करते हैं। तो सब आसक्ति को छोड़ करके ब्रज गोपियां गई निर्वर की तो सर्व काम। सुखदेव जी कहते हैं ब्रज गोपियों के जगह सन्यासी नहीं छोड़ के गई तो ठीक चिंतन नहीं, पर बहुत बड़े सन्यासी है ब्रजवाल है। बाधा आया, बाधा को भी लांघ गई। अब महाराज श्री कृष्ण के पास पहुंच गए, भगवान भी गोपियों को प्रणाम किया। अरे भाई इतनी चार करके ब्रजवाला आई है। तो ठाकुर जी ने महाराज हाथ जोड़ा, स्वागतम ओ महाभागा, हे महाभाग्यशाली ब्रजवाला है, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। ठाकुर जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर भगवान ने सोचा कि इन लोगों को प्यार तो है, मैं जानता हूँ वो प्यार है हमारे प्रति, लेकिन सारा जब समाज जान जाए इसलिए परीक्षा, परीक्षा इसलिए नहीं लिए कि उनको प्यार नहीं, सब जानते थे
व्रजमालाओं को कितना प्यार है वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसको जानने के लिए, दुनिया को जगाने के लिए ठाकुर जी ने धर्म का उपदेश दिया। धार्मिक बनकर ठाकुर जी धर्म का उपदेश दिए। गोपियां उस धर्म को क्या, क्योंकि दो धर्म है, एक धर्म है और एक परम धर्म। तो धर्म का वक्ता कौन है? श्री कृष्ण। और परम धर्म का वक्ता कौन है? तो ब्रजवाला है। तुम्हारा ये ब्रज गोपी छोड़, सब धर्म को छोड़, गीता में है ना भगवान कैसा रूप धर्मा ने परि कर दिया, सब धर्म को छोड़ दो, गोपियां छोड़ कर दिया गई। श्रीजी गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये जब तक रुसे के नहीं, मान नहीं होगा तो रस का निष्पत्ति नहीं होगा। तो गोपियां तो रुसी नहीं, कृष्ण से प्यार करने जाए तो श्री कृष्ण ही रूठ गए, अब कृष्ण रूठ गए और मना कौन रह गया? गोपियां मना। इसी को कहते हैं प्रणय गीत। जब श्री कृष्ण ने धर्म का उपदेश दिया तो गोपियों ने, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण की बाणी को सुन करके गोपियों का लाल लाल जो होंठ था बिल्कुल सूख गया, भयंकर विलाग्नि में डूब गई, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई, क्या करूं क्या ना करूं उनको समझ में नहीं आया। चक्रवर्ती पाद जी तो कहते हैं कि अब गोपियां कहती हैं हमारे आंख का आंसू से पूरा शरीर काला हो गया, जैसे बढ़ई लकड़ी काटने के पहले काला स्याही का निशान लगाता है, वैसे अब लग गया और कृष्ण तो आड़ा चला, हम छोड़कर तुझे नहीं। गोपियां इतनी उदास हो गई कि अपने नख से पृथ्वी को कुदेरने लगी। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि मानो वो भी कह रही है कि हे मैया पृथ्वी, अब इस भयानक कष्ट को हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, तुम फट जाओ, हम लोग अंदर से। सीता जी पर विपत्ति पड़ी थी तो तू फट गई थी, अब हम लोगों पर भी विपत्ति पड़ी है, तू फट गया। एक गोपी कहती है कि यदि सखी ये दीनता करने से काम नहीं चलेगा, हम लोग कोई साधारण थोड़े हैं, वेद गिर जाए हैं, श्रुति भगवती हैं, ये श्री कृष्ण ने धार्मिक होकर प्रवचन किया है तो हम लोग भी तो कुछ धर्म जानते हैं। तुम्हारे ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण को प्रत्येक जो जो बोले थे सबको काटी, सब सिद्धांत करता है। गोपियां कहती हैं मैवम विघोर हति भवान गति तुम दृशंसम संतज्य सर्व विषयां स्तब पाद मूलम। हे नृशंस, नृशंस कहते हैं निष्ठुर को, नृशंस का अर्थ यह भी है जिसको थोड़ा सा भी दया बयान ना, उसको नृशंस कहते। अरे 12 बजे रात में अपने छोटे छोटे बच्चे, पति, घर बार मकान, अरे साड़ी बक्सा सबको छोड़कर तो हम लोग आए, और तुम्हारे प्यार के लिए आई है, तुम इतना निष्ठुर निकला। हे नृशंस, तुम्हारे मुंह से ये सब अच्छा नहीं लग रहा। जैसे आदि पुरुष नारायण मुमुक्षु जनों को अपने चरण में शरण देते हैं, उस तरह तुम भी हमको अपने चरण में शरण। भक्ता भजस्व दुर्वक रह, हे दुर्वक रहे अनिले भगवान, हठ मत करो। जैसे आदि पुरुष नारायण अपने भक्तों को शरण देते हैं, वैसे तुम भी अपने चरण में हमको शरण। क्यों भगवान से शायद कुछ मैं क्यों शरण दूं, तो कहती भक्ता हम लोग भक्त। महाराज चक्रवर्ती पाद जी बड़ा सुंदर शब्द लिखे भक्ता, संस्कृत में भक्त और भक्त दोनों का अर्थ एक ही होता है, भक्त माने भाग भी होता है, माने हम लोग बिल्कुल भात बन गई है, बासमती की चावल, पहले उसको पोखरी में कूटा जाता है, छिलका निकाला जाता है, फिर गर्म गर्म पानी में उबाला जाता है, तब सिद्ध हो जाता है, तब भोग लगता है ठाकुर जी को।
वैसे हम लोग भी संसार की थपेड़े खा खा करके हम लोग का चिंता निकल गया। काम की ग्रंथि, क्रोध की ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि, ये सब ग्रंथियां हमारी छूट गई। और भयानक इस संसार की मान प्रतिष्ठा अपमान में हम लोगों को उबाला गया, उबल गए। अब बिल्कुल अब देख लो सिद्ध हो गई है, बिल्कुल चावल पक गया, ढीला भी नहीं है, एकदम अच्छा बासमती का चावल हो गया, हम लोग भात हो गई है। अब तुम भजस्व भजस्व ने खाओ, हमारे खाने जो कि हम लोग बन गए, हम लोगों में किसी प्रकार की वासना अब नहीं है, तुम्हारी सेवा के अतिरिक्त अब कुछ नहीं रह गया। तुम कहते हो कि पति पुत्र की सेवा करो, तो तुम ही बताओ ये पति पुत्र कहाँ से आ गए, तुम्हारे बिना किसी की कुछ स्थिति है? अरे पति में से तुम निकल गया तो एक भी पत्नी अपने पति की सेवा करके दिखा दे? अरे कृष्ण विहीन पति को कोई पूजा करता है? प्राण निकल गया तो दिखा दे कौन? जत पत्य पत्य सुनिता ममृत्युम इति, आपने जो त्वयक्तम ऐसा धर्म का उपदेश दिया, इससे तो पता लगता है कि तुम ही पूज लिए हो, सबके पति हो तुम ही। धर्मकृताम, प्रत्येक प्राणधारियों का पति श्री कृष्ण ही है। तुम्हें माता सपिता तुम्हें, तुम ही तो सब कुछ हो। और खास करके इस संसार में जितने भी अच्छे लोग हैं वो सब लोग तुम्हारी ही पूजा करते हैं। गुरुवंती ही त्वरी गति कुशला आत्मन, श्री कृष्ण को कहती है हमारे आत्मा तुम हमारे प्राण हो, तो इस जगत में जो भी कुशल व्यक्ति हैं वो तुमको ही आराधना करते हैं, तुम्हारी ही पूजा करते हैं। तो इसलिए हे नाथ, हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारी शरण में आई हैं, तुम हमारी पूजा करो। हम लोग बहुत दिन पूजा कर लिया, अब तुझको मेरी पूजा करना पड़ता है। हम लोग सारी आसक्ति तोड़ करके तुम्हारे पास आई हैं और अब तुम हमारी पूजा करो, हमारे आशा का छेदन मत, बड़ी आशा के साथ तुम्हारे पास जाए। हे अरविंद नेत्र, तुम्हारा नेत्र कमल के फूल के समान समस्त दुख को शोषण करने वाला है। अच्छा तुम बताओ सत्य सत्य तुम हम लोग को बुलाया क्यों? यदि धार्मिक होकर के उपदेश देने के लिए ही बुलाना था तो हम लोग तो बहुत अच्छे से अपने पति की सेवा कर रही थी, समाज की सेवा कर रही थी, साधन भजन में लगी थी, लेकिन तू तो बंसी बजा करके हमारी सारी आसक्ति को नष्ट कर दिया। अब फिर कहते हो कि जाओ, अब जाए कैसे? पाद पदम न चलत तब पाद मोला, और हमारा एक पैर तुमको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं। यदि कदाचि चली भी जाए तो जा करके क्या करेगी? हमारा मन तो तुम्हारे पास है, अभी ना मन के जाऊंगी घर पर तो रोटी नहीं खाना पड़ेगी। मन तुम्हारे पास है, रोटी बनाएंगे रोटी जल जाएगी, रोटी कच्ची रह जाएगी, मन तो तुम ले लिए हो। तो भगवान कहे कि तब तो हम क्या करें बताओ? तो कहती है सिंचांगन स्मदधरा मृतपुर केड़ा, हे नाथ अब हमको तुम सिंचन करो, हम भयंकर आग में जल गई है। तो भगवान कहे कहाँ से आग लग गया? तो गोपियां कहती है तूने लगाया आग, लगाया तूने लगाया। भगवान कहे हम कहाँ आग लगाए? तो गोपियां कहती है हा सावलो हा सावलो कल गीत अग्नि, तुमने महाराज अपने मधुर मुस्कान से हमारे हृदय में आग लगा दिया, हंस करके आग लगा दिया। और जब वो आग थोड़ा सा धीमी हो गया तो तिरछी नजर से देख लिया। और इसके बाद की फल गीत, जैसे लोहा जैसे सुनार अपने आग को पाइप से फूक फूक कर के आग लगाता है,
वैसे जब आग बुझने लगा तो तू कलसी से फूंक फूंक कर और प्रज्वलित कर दिया भीतर हृदय अग्नि। ऐसा तो भयंकर आग लगा दिया है कि उस आग में हम लोग इस शरीर को जला डाले। अध्यारीन याम पद जो और तुम्हारी पदवी पदवी को प्राप्त कर ले। हे नाथ तुम इतने निष्ठुर नहीं हो, तुम तो सबसे प्यार करते हो। हम तो देखती हैं कोई हिरण से प्यार करता है, बंदर से प्यार करता है, अरे वृक्ष लता से प्यार करता है। तुम तो दानी हो, अरे तुम इतना प्यार करते हो कि तुम्हारे प्यार में दीवाना होकर वैकुंठ की अधिष्ठात्री लक्ष्मी अपना वैकुंठ छोड़ करके वृंदावन में इतना कष्ट उठा रही है। लब्ध्वा विवक्षसि पदम किलभृत्य जुष्टम। तुम भी लक्ष्मी को कितना प्यार किए हो, तो अपने छाती पर स्थान दिए हो, लेकिन भक्तों के भीड़ में अपने शब्द के साथ तुम्हारे चरण की आश्रय ली। उसी तरह तद्वत वयम च तव पाद रजः प्रपन्ना, जैसे लक्ष्मी अपने शब्द के साथ तुलसी के साथ चरण में रहती है, वैसे हम भी तव पाद रजः आपके चरण कमल में रहेंगे। हे प्राणनाथ तन्नः प्रसिद्ध आप प्रसन्न हो जाओ। आपने मधुर मुस्कान करके हे नाथ हमारे चित्त को खींच लिए हो। हम लोग तुम्हारे विरहाग्नि में जल रही हैं। हे पुरुष भूषण दे हितास से हम अपना सेवा का अवसर दे। अब हम आपके चरण की सेवा करें। भगवान कहते हैं बाप रे बाप इतनी हजारों करोड़ों स्त्रियां हैं, सबको हम सेवा देते हैं। हम एक आदमी है इतना सेवा है। कहती है तव दास्यम च भवान दास्य। श्री चक्रवर्ती पैसे कहते हैं कि भाई कृष्ण कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि आप लोग मजदूरी को सेवा आप लोग मांग रहे हैं, इतना वेतन कहाँ से लगा कर दूंगा। तो वो क्या करती दीक्षा लका वित मुखम तब कुंडल श्री। पहले बार जिस दिन आपके भिक्षा लकार मुखम तब कुंडल श्री घुमरावली अलकावली से युक्त मुखमंडल का हम लोग दर्शन की थी, उसी दिन निर्णय कर ली थी कि बिना मोल के आपके दासी। आपने वेतन तो पहले से दे दिया, हम लोग अपने मन को शरीर को वाणी को सबको तो निछाव कर दत्ता। भयम च भुजदंड युगम विलोक्य। आपके ये सर्पाकार ये जो भुजदंड है उसको देख करके हम लोग आपका दासी बन चुकी हैं। भगवान कहे कि जब तुम लोग दासी बन गए तो हमारा दोष क्या, अब जैसे रख रहा हूं वैसे रखो रहो। गोपियां कहती है हम ही नहीं इस तीनों लोकों में पाताल में पृथ्वी पर स्वर्ग में भला कौन ऐसी स्त्री को दिखा दो, एक स्त्री को दिखा दो तुम्हारे इस मुखमंडल का दर्शन करके अपने आप को कंट्रोल कर सके, है कोई। आस्त्रंगते कल्पदा यत मूर्छिते न सम्मोहिता चरिता न चले त्रिलोक्या। तीनों लोगों में ऐसी कोई स्त्री है तुम्हारी मतवाली चाल तुम्हारी मधुर मुस्कान को देख करके अपने आप को रह सके, अरे साधारण स्त्री को तो छोड़ो। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम जद गोत्र जातृमंदिका कुलकान्य विभ्रं। अरे तीनों लोक के सौभाग्य महाराज सारे संसार की सबसे बड़ी लक्ष्मी है। लक्ष्मी को देवता भी चाहते हैं, मनुष्य भी चाहते हैं, किन्नर भी चाहते हैं, सब लोग पैसा चाहते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो धन नहीं चाहता है, लक्ष्मी को न चाहते हैं। ब्रह्मा चाहते हैं, शिव चाहते हैं, लेकिन वह लक्ष्मी सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास रहती। अच्छा तुम लेकिन इतने दयालु हो कि लक्ष्मी को तो छोड़ो। और तुझे तुम मृग कुलदान्य विभ्रम, तुम तो अपने आप को गैया को दे देते हो, वृक्ष लता को दे देते हो, मृगा को दे देते हो। तो भगवान कहे कि आगे तुम तो कहना क्या करती है। तो कहती है हे ब्रजमंडल के एकमात्र रक्षक
जैसे आदि पुरुष नारायण ने पूरे संसार की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजभूमि की रक्षा करने के लिए आए हो। हम लोग ब्रजभूमि में हैं। हे आर्थ बंधो तन्ना निधे, तुम अपने हाथ को मेरे सिर पर रखो, एक बार हम आपकी किम करें। सुखदेव जी कहते हैं ब्रज गोपियों के इस विलाप को सुन करके श्री कृष्ण वंदन मुस्कुराने लगे। रहस्य सदयम, भगवान हंसे और हृदय से दयालु। आत्मा राम होने के बावजूद भी गोपियों के साथ अनुकूल उदार ठाकुर जी उन ब्रज गोपियों के साथ अनुकूल होकर के क्या किए। नद्या कुलीन महाविष्य, जमुना जी के कुलीन पर आ गए और वहां पर क्या किए, तो रेमे ब्रज बालाओं के साथ ब्रज गोपियों की इच्छा अनुसार ठाकुर जी उनके साथ रमण करने लगे। कैसे रमण करते हैं, बाहु बाहु प्रसाद परिरंभ कराल गोलो निविष्ट नाल नव नर मन भाग्र पातहि शैल्यावलोक हसितहि ब्रज सुन्दरीणा मूर्तम भयम रतिपति रमयांश काल। भगवान उन गोपियों के साथ अनुकूल हो गए और उनकी जो जो इच्छा थी वैसे वैसे कर दी। मुत्तम भयन रतिपति रमयांश काल, रमयांश काल का अर्थ होता है ठाकुर जी ने गोपियों को रमण कराने लगे, गोपियां श्री कृष्ण को रमण कराने दोनों ब्रज सुंदरी नाम, यहाँ ब्रज सुंदरियां एक दूसरे की रमण। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण कौन है, तो महात्मा है। कृष्ण कौन है, एवं भगवत कृष्णा लब्ध मानो महात्मा। महात्मा का अर्थ होता है उसका मन कभी भी संसारिक इंद्रियों में नहीं जाता, कामी नहीं है। अरे भाई कृष्ण कामी जैसा लीला कर रहा है लेकिन कामी नहीं है। अरे भाई कृष्ण कामी हो चाहे क्रोधी हो या लोभी है तो भगवान। अरे ऐसे भगवान में यदि काम न रहे तो मनुष्य में काम रहे तो भाई झगड़ा हो जाएगा। अरे भगवान दिखा देता है हम में और तुम में अंतर नहीं, देखो मैं भी कामी हूँ, मैं भी लोभी हूँ, मैं भी क्रोधी हूँ। सारा दुर्गुण तो कृष्ण से ही निकला है और सब गुण भी तो कृष्ण से निकला है। कृष्ण का अर्थ ही है परिपूर्ण, भगवान में कोई कमी नहीं, सब गुण जी। आत्मानम में निरिष्टिना मानी लोके ठिकान होता है। ठाकुर जी उन ब्रज बालाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। आज गोपाल रास रस